अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहु जी। आज मुझे बहुत सारी दीमक मिली है, ये देखें। मैंने अपने कुछ परिंदे ना इनके ऊपर रख दिए हैं और कुछ जो हैं छुड़े छोड़ दिए हैं। बाकी कुछ परिंदे मेरे बैरक में पड़े हैं और एक दो फीमेल हैं वो पिंजरे में पड़ी हैं, वो नहीं लेके आ सकता क्योंकि काली फीमेल है एक और एक देसी फीमेल है। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त दीमक है, इससे बहुत बड़े भी जल्दी होते हैं और मोटे भी होते हैं। और ये देखें माशाल्लाह हर तरह दीमक ही दीमक है। ये दीमक बनाने का मैं तरीका आपको बताऊंगा। पहले भी इस किस्म की मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं इस किस्म की कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप आसानी से वीडियो वॉच कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह एक ब्रीडर जोड़ा है वाइट और एक काला तितर है और एक देसी चिक्स है, ठीक है। इनको दीमक खिला रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा दीमक है, ये देखें। और दीमक बनाने का तरीका कार ये है कि ये मैंने लकड़ी ज़मीन में दबा कर रखी हुई है। और ये देखें ये, और ये इनके ऊपर मिट्टी रख दूँगा, उसके बाद ऊपर से पानी छोड़ दूँगा, ठीक है। आज ऐसा करूंगा, फिर कल दीमक बन जाएगी। इस तरह इसको अलग कर लूंगा, ये जैसा कि ये देख लकड़ी को किसी ईंट के ऊपर मारूंगा या लकड़ के साथ लकड़ी टकराऊंगा तो वो दीमक निकल जाएगी और फिर अपने परिंदे छोड़ दूंगा। ये देखें माशाल्लाह खा रहा है, कोई चीज़ पड़ गई है, किसी चीज़ ने डर गए। ये देखें ये दीमक पड़ी है, ये देखें ये माशाल्लाह खा लेंगे। जब सारी दीमक खा लेंगे तो फिर मैं इनको पिंजरे में डाल दूंगा। बिल्ली है लगता, डर गया मेरे तितर किसी चीज़ से। ये जो नर है ये इतना ज़्यादा नहीं खाता दीमक, कुछ तितर शौक से खाते हैं और कुछ नहीं खाते। और ये जो फीमेल है ना ये माशाल्लाह ब्रीडर जोड़ा, ये भी बहुत शौक से खाते हैं दीमक। दीमक से तितर की ग्रोथ होती है, तितर मोटा ताज़ा होता है क्योंकि ये गोश्त होता है और इससे तितर मस्ती भी लगता है। अगर ब्रीडिंग नहीं कर रहे तो इससे ब्रीडिंग भी करते हैं, एग्स भी देते हैं ज़्यादा, और तितर की ग्रोथ होती है, बड़े होते हैं जल्दी जल्दी, मोटे ताज़े होते हैं। आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अल्लाह नेकबा।